इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। दिल्ली इंतखाबात करीब हैं और नई नई तरकीबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यह बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि दिल्ली इंतखाबात भी अब मजहब की बुनियाद पर जीतने का मंसूबा भाजपा की जानिब से किया गया है। एक तरफ दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल अपने खिदमात को गिना रहे हैं तो तरक्की विकास की बुनियाद पर अवाम के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा इसे फिर से हिंदू मुस्लिम या राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द मसले को सुलगाते रखने की कोशिश जारी है। अब इसमें कोई भी पीछे नहीं, अपने ही देश के लोगों को गद्दार साबित करना और गोली मारने पर उकसाने का काम बड़े ही मुनज्जम तरीके से भाजपा अंजाम दे रही है। कोई भी सवाल पूछो इनसे, इनके पास सिवाय पाकिस्तान देशद्रोही के कोई जवाब नहीं रहेगा। पर हासिल इत्तला के मुताबिक तमाम मंसूबे साजिशों के बाद भी मोदी पर केजरीवाल भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और शायद यही लोकतंत्र जमहूरी निज़ाम मजबूत होने की दलील कही जा सकती है। शाहीनबाग को लेकर गली मोहल्ले से कैलेंडर से लेकर प्रधानमंत्री गृह मंत्री तक हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझा जाए और नफरत की सियासत खेलने लगे, इससे और क्या इस मुल्क की बदकिस्मती हो सकती है। खासकर मुस्लिम माशरे को अलग थलग करके सियासी रोटियां सेकने की चाल हकीकत में देखी जाए तो शर्मनाक लगती है। पर कुछ लोग इस बहकावे में आते भी नजर आ रहे हैं, तभी तो आज भी मोदी को अच्छा प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। दिल्ली इंतखाब को जीतने के लिए साजिशों को अंजाम देने की कोशिश तो जारी है पर नाकाम भी होती दिखाई दे रही है। गोलियां भी यूं ही नहीं चलाई जा रही, रिवॉल्वर यूं ही हवा में लहराए नहीं जा रहे, बल्कि यह एक साजिश का हिस्सा है। कल गुंजा कपूर को बुरखे में शाहीनबाग में पकड़ा गया, इसके बाद ट्विटर पर गुंजा बदनाम हुई, मोदी तेरे लिए क्या ट्रेंड भी चलाया गया। आखिर हर रोज नए ड्रामे रचाए जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? मोदी शाह को आखिर कितना डर लगा हुआ है इन्हें दिल्ली के इंतखाबात का? शाहीनबाग किस कदर ने डरा रही है? एनआरसी सीएए को लेकर मुल्क की सतह पर एहतजाज, क्या मोदी शाह के रातों की नींद हराम कर चुकी है? अवाम में सवाल यही उठाया जा रहा है कि आखिर कब तक धर्म के नाम पर बांट कर यह हुकूमत करते रहेंगे? गुंजा कपूर को गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि ट्विटर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी इन्हें फॉलो करते हैं। जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस को भी ये गुंजा कपूर नामों से जानती दिखाई दे रही, मतलब यह एक साजिश का ही हिस्सा है। किस कदर साजिशें चली जा रही इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आखिर मुस्लिम खवातीन इनके बुरकों पर पानी पी पी कर तंज करने वाले संगियों को चोरी छुपे बुरका पहनकर घुसने की क्या जरूरत पड़ी? पहले राम भक्त गोपाल ने गोलियां चलाई, फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही, फिर कपिल गुर्जर ने देश हिंदुओं का कहा, फिर गुंजा कपूर चोरी छुपे शाहीनबाग में घुस गई, साथ में और भी चार संगी विचारधारा की थी जिन्होंने बुरका पहना हुआ था, भागने में कामयाब हुई। पर प्रधानमंत्री जिसको फॉलो करते हैं गुंजा पकड़ी गई। जब हर जगह नाकामी हासिल हुई तो खुद प्रधानमंत्री ही राम मंदिर को लेकर मैदान में आए और अवाम को विश्वास दिलाया कि हम राम मंदिर तामीर करके दिखाएंगे। शाहीनबाग से पहले भी, शाहीनबाग के बाद भी दिल्ली की अवाम हिंदुत्व पर वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब सांप्रदायिकता या नफरत कही है, हार चुकी है और हार रही है। पर तारीख के औराक मोदी को इस बात के लिए जरूर याद रखेंगे, इस हुकूमत को जरूर याद रखा जाएगा, जब लोगों ने रोजगार, इल्म, गरीबी, भुखमरी, अस्पताल पर सवाल उठाए तो धर्म के नाम पर देश के आवाम के जज्बात के साथ सियासी खेल खेलने का हुनर मोदी शाह कैसा हासिल हुआ था, इस पर जरूर तबसरा किया जाएगा। दिल्ली की जीत यकीनन धर्म के नाम पर बांटने वालों के लिए आखिरी कील साबित हो सकती है और इसका सहरा बिलाशुबा केजरीवाल को ही जाएगा। और यह एजाज इसलिए भी हासिल होगा क्योंकि पूरा मुल्क में हिंदुत्व मोदी शाह की लहर चल रही थी, तब अरविंद केजरीवाल यह एक वाहिद वजीर आला था जिसने एक तरफा जीत अवाम के खिदमत पर हासिल कर फासिस्ट ताकतों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया हुआ था। और शायद यही बात देश के मुख्तलिफ रियासतों में भी नजर आ रही है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लिहाजा यही उम्मीद कर सकते हैं कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो चुका है, भाईचारगी, एकता, इत्तेहाद यह भारत की रूह है और देश का संविधान आईन सबसे ऊपर है, लिहाजा मुल्क हिंद की खूबसूरती अनेकता में एकता है। भारत की सरजमीन कभी सांप्रदायिकता को कबूल नहीं कर सकती, वक्ती तौर पर तो कामयाब नजर आ सकते हैं पर तवील अरसे तक कामयाब नहीं रह सकते। यही दिल्ली के इंतखाबात के बाद की तस्वीर पूरे मुल्क में नजर आएगी। कईयों का कहना यह भी है कि देश के अवाम को धोखा हुआ है,
इन्होंने बेहतर जिंदगी के लिए मोदी सरकार को वोट दिया था, पर इन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र के हक में समझ लिया। खैर, इसे फिर भी बदला जा सकता है। एहतजाज को सिर्फ मुसलमानों का एहतजाज बनाने की पूरी कोशिश मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही है और मुसलमानों को देशद्रोही बनाने का भी एजेंडा जारी है, पर मुल्क की समझदार आवाम ऐसा होने नहीं देगी और यही पैगाम देने का फैसला कर लिया है। देखेंगे कि आने वाले इंतखाबात में क्या होता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।